ऐसे तुम तो कह रहे कि साक्षी बनो और उधर कह रहे कि तुम युद्ध करो। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम घोड़े को पीछे रखो, कोई हर्जा नहीं, बस हाथ से रहो और घोड़े पे नजर रखो, बस सब चीज घोड़े पे समर्पित कर दो तो हो जाएगा। जब वो गाड़ी चलेगी नहीं तब बताना पड़ेगा कि बात ऐसी है कि घोड़ा आप आगे करिए, ये माँ का काम कि बेटे इस चक्कर में मत रहना, तुम सीधे घोड़े को आगे करके जोड़ लो, जब तक आत्मा से जुटेगा नहीं ये गाड़ी आगे जाने वाली। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि आज हनुमान जी के इसमें हमने प्रसाद चढ़ा दिया, हो गया हनुमान जी अब आप हमारी सारी चिंताएं दूर कर दीजिए, वो भी मुस्कुराते होंगे कि इन्होंने अच्छा मुझे जेब में रख लिया। असल में बात यह है कि आपका तो अभी उनसे संबंध ही नहीं, हनुमान जी अपने अंदर कहां बसे हुए हैं यही लोगों को नहीं मालूम है। वो हनुमान जी जो है इसी पिंगला नाड़ी पर ऊपर से नीचे दौड़ रहे हैं। इनको बाइबल में गैब्रियल कहा गया है, सेंट गैब्रियल जो थे वो हनुमान जी थे, और हनुमान जी हमारे अंदर है और जब तक हम उनकी मदद नहीं लेंगे, जब तक उनसे हम आशीर्वादित नहीं होंगे, हमारे कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकते। अब उनसे आशीर्वादित होने के लिए पहले उनसे संबंध होना चाहिए, उनसे संबंध होने के लिए पहले निराकार में आपको आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए बहुत लोगों ने सिर्फ निराकार की बात की कि साकार की बात करो तो फिर फंस जाइए, पहले निराकार की बात करो कि आत्मा स्वरूप तो आपको आ गए। बुद्ध ने इसीलिए ईश्वर की तक बात नहीं की, अगर हम ईश्वर की बात करेंगे तो फंस जाएंगे, फिर ईश्वर ईश्वर फिर वो कहेंगे मैं ईश्वर हूँ वो ईश्वर है। इस झगड़े में पढ़ने से पहले ये है कि इनको निराकार ही की बात करो कि तुम अपना सिर्फ आत्म साक्षात्कार पालो फिर आगे बोले। इसलिए उनको बहुत लोग कहते हैं कि वो एक चीज थे परमात्मा में विश्वास है, ये तो इंसान की बुद्धि उल्टी है ना। उन्होंने जाना कि इंसान किस हद तक है कि उससे यही बात की भाई पहले तुम आत्म साक्षात्कार ले लो फिर आगे की बात करो। चाहे जो भी हालत हो, आज ऐसी हालत है कि आप एक क्षण में पार हो सकते, इसमें कोई शक नहीं, यह आपका भविष्य, यह आपका असली भविष्य है कि आप एक क्षण में पार हो जाते हैं। लेकिन इसमें फिर आपका अहंकार कहां जाता है, ये सवाल खड़ा होता है कि मां फिर अहंकार कहां गया। उस वक्त क्या होता है हमारे अंदर जो चीज घटित होती है वो बड़ी बड़ी कमाल की चीज है कि जब कुंडलिनी जागरण होता है तो वो हमारे माथे में यहाँ जो आज्ञा चक्र की जो खिड़की है आप देखिए ऊपर में, उस आज्ञा चक्र में जागृत हो जाती है। जब वहां की देवता जब वो जागृति हो जाती, महालक्ष्मी है महालक्ष्मी, जैसे ही वो जागृत हो जाती है तो वो सारा की सारा आपका अहंकार और आपका प्रतिहंकार माने जो कंडीशनिंग है वो सारा खींच लेगा। तो प्रतिहंकार या जिसे आप मनस कहते हैं या कंडीशनिंग कहते हैं, जिसे कि आप गहरे नीले रंग में देख रहे हैं और पीला रंग की जो दोनों ये थैलियां हैं ये अंदर एकदम खींच जाए अपने आप, इसको आपको नहीं करना। बहुत से लोग क्रिया योग करते हैं, राज योग करते हैं, ये सब अंदर घटित होता है बाहर नहीं। कि जैसे एक साहब ने कहा कि जिस वक्त कुंडलिनी जागृत होती है तो खेचरी मुद्रा होती, खेचरी माने ये कि ये जो जीभ है अंदर की तरफ खींच जाती है लेकिन किसी को महसूस नहीं, क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी चढ़ेगी तो कोई ना कोई तो अंदर क्रिया घटित होने ही वाली है। जैसे आपकी मोटर चलती है तो उसमें क्रियाएं अंदर होती रहती है, बाह्य में तो कुछ दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार ये भी क्रिया कुंडलिनी की जब चढ़ती है तो ये सब चीजें आपके अंदर, जैसे आपकी पचन क्रिया आदि अपने आप होती है, उसी प्रकार ये सब क्रियाएं होती है बंधा आदि। लेकिन वो कोई कहे कि मैं जीभ काट के, एक साहब ने किया हुआ ऐसे ही, वहां क्रिया योग जो अमेरिका में है वो जीभ काट करके उसको पीछे मोड़ करके यहाँ गले में दबा करके और कहे खेचरी होगी, और बहुत से लोग वहां ऐसे जीभ लटकाए हुए कुत्ते जैसे घूमते, बात भी नहीं कर सकते। अरे क्या ये कह ले क्रिया योगी, बताइए आप क्रिया योगी होगी, क्रिया ही खत्म कर दी होगी। और इस पर एक बात है कि कबीरदास जी ने ऐसा लताड़ा है लोगों को, इतना कहा हुआ है कि जिन्होंने कबीरदास जी को जरा भी पढ़ा हुआ ऐसे चक्कर ही न जाए, लेकिन वो भी इसी चक्कर में जाते हैं। सबसे तो कमाल यह है कि बिहार यहाँ पर की कबीर, सबसे तो कमाल यह है कि बिहार यहाँ पर की कबीरदास जी ने इतनी मेहनत करी, इतना कुछ कहा, वहां पर उन्होंने सुरती कहा है, कुंडलिनी को सुरती कहा है और वो तंबाकू को सुरती कहती। अब और इससे क्या ज्यादा अकलमंदी हो सकती है कि जिस चीज के उन्होंने बिल्कुल मनाई की थी उसी को वो सुरती कहती।
तो ये जो है कि हमारे अंदर आज्ञा चक्र जो है यहाँ पर, वो जब इसका शोषण कर लेता है, तब हमारे यहाँ पे जो तालु भाग है ये खुल जाता है और यहाँ पे नरम हो जाता है और उसके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती है। ये पहली पहचान है कि कुंडलिनी का जागरण हुआ। अब के कहते हैं कि कुंडलिनी के जागरण में ये आफत आती वो आफत आती, हमने तो कोई देखा नहीं, हजारों लोगों को कुंडलिनी जागृत हो गई। जो लोग अपवित्र हैं, जिनके विचार अपवित्र हैं, जिनके अंदर धर्म नहीं है और जो पैसे के लिए काम करते हैं गंदे, ऐसे लोग कुंडलिनी की बात न करें तो अच्छा है। और जब ऐसे लोग कुंडलिनी उठाते हैं और ऐसे लोग जब कहते हैं हमारी कुंडलिनी जगी, तो यह जान लेना चाहिए कि इनकी कुंडलिनी नहीं जगी है पर नीचे बैठे श्री गणेश का गुस्सा है। जब इनका गुस्सा चढ़ता है तो इतनी गर्मी बदन में होती है और सारे यहां से यहां तक ब्लिस्टर आ जाएंगे, आदमी भौंकने लगता है, कहीं तो शेर के जैसे बोलता है, कहीं चीखता है, कहीं कूदने लग जाता है। ये काम उसी को करना चाहिए जिसको इसका अधिकार है, और जिसको अधिकार नहीं है वो ऐसे कामों में फंसता है और लोगों का सर्वनाश करता है, उसके ऊपर भी ये बड़ी दशा आ जाती है। ऐसा आदमी जो कि इस तरह के तांत्रिक विद्या करता है और इस तरह के गलत तरीके से लोगों को फुसलाता है, उसकी सात पुष्ट नष्ट हो जाती है और सात पुष्ट में आदमी पागल की तरह घुमा करता है। ये मेरे अनुभव की बात है, मैंने बहुतों को देखा है इस प्रकार जिन्होंने काम किए, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे तक आज तक सफर कर रहे। इसलिए ऐसे चक्करों में किसी को जाना नहीं चाहिए और किसी के साथ ऐसे काम करने नहीं चाहिए, और जो लोग ऐसे काम करवाते हैं वो भी जान लें कि उनकी भी पुष्टन पुष्ट इसकी मर्यादाएं अगर तोड़ देंगे तो बहुत कुछ उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लोग निशा खाते किसी भी तरह की ऐसी गलत मन में धारणा न रखें कि हम इस तरह के लोगों से कुछ प्राप्त कर सकते, कभी भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये लोग आपके नुकसान पे आमादा है और ऐसे लोगों के पास जाने से वो तो आपके कर्दन काल है। मैंने तो देखा कि ऐसे लोगों ने जो लोगों का सत्यानाश किया है वो इस कदर सत्यानाश किया है कि उनके पास इतनी भी बुद्धि नहीं रह गई कि वो समझे कि हमारा इतना सत्यानाश हो गया। हजारों 6,000 पाउंड एक साहब ने दिया था और जब वो मेरे पास आए तो मैंने देखा कि उनको तो एपिलेप्सी की इतनी जबरदस्त बीमारी हो गई है कि वो यही नहीं समझते कि वो खड़े कहाँ, और अगर उनको एक लहसुन भी दिखा दीजिए तो उससे थरथराते हैं, क्योंकि उनको गुरु ने कहा था कि लहसुन खाना ठीक, लहसुन से घबरा, लहसुन देखते साथ थर 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 कांपने लगे। जो आदमी आपको गुलामी में फंसाता है उस आदमी के पास जा करके आप कभी कुंडलिनी का जागरण नहीं कर सकते। कुंडलिनी से आप स्वतंत्र हो जाते, आपके स्व का तंत्र आता है, आप उसके गुरु हो जाते, आप पूरी तरह से समर्थ हो जाते हैं और आप जानते हैं ये चीज क्या है। किसी भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, और जो लोग ऐसा करते हैं गलत फहमी में रहते हैं, मैं यही सोचती हूँ कि इन सत्पुरुषों ने जो हमारे साथ किया, जितनी मेहनत और जितना कष्ट जिंदगी में उठाया, जितनी उनकी आत्मा हम लोगों के लिए छटपटाती रही, और हमने उस वक्त भी उन्हें दर्द दिया और अब भी उनको दर्द दे रहे हैं, उनका नाम ले लेकर के हम गलत काम कर रहे हैं। कुंडलिनी का वास्तविक जागरण अंदर होता है और वो होने पर सत्य स्वरूप उसे आप लोग प्राप्त करें। ये आपका अधिकार है, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है जिसे आप प्राप्त करें, जिसके लिए आप पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं दे सकते। और जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होता तब तक मनुष्य अधूरा, उसकी पूर्णता नहीं। तब तक ऐसा ही समझ लीजिए कि एक दीप है लेकिन उसमें अभी तक ज्योत नहीं है। ज्योत आते ही आप एक ऐसे प्रांगण में उतर जाते हैं, ऐसे डायमेंशन में उतर जाते हैं कि वो डायमेंशन आप देखते ही आप समझ लेते हैं कि अब तो मैं सब चीज का साक्षी हो गया, मैं सब चीज की तरफ एक साक्षी स्वरूप देखता हूं। जो कृष्ण ने कहा था कि आपको साक्षी होकर देखना, लेकिन वो होने का तरीका जो है वो एकमात्र एकमेव है कि कुंडलिनी का जागरण, और कोई चाहे कृष्ण ने उस वक्त नहीं कहा क्योंकि उनके पास समय नहीं था, या जिसने कहा हो उसने बहुत अधिक इससे कहा हो, इसका यह मतलब नहीं कि कोई एक विशेष धर्म ने कहा या दूसरे ने कहा, सब ने यही बात कही। यहां तक मोहम्मद साहब ने तो साफ कहा है कि जिस वक्त आपका रिजरेक्शन होगा, जब उत्थान होगा, उस समय में आपके हाथ बोलेंगे। अब मुसलमान कहते हैं कि उनके बाद कोई आने वाला नहीं, उन्होंने फ्यूचर की पूरी बात करी, उनको तो कोई पड़ता ही नहीं, उन्होंने फ्यूचर की बात करी, भविष्य की बात करी कि उस वक्त आपके हाथ बोलेंगे। माने ये है कि हम जो अभी बोल रहे हैं इसकी पूर्ति बाद में होने वाली, लेकिन अब किसी से बताई कोई सुनने तैयार नहीं, क्योंकि कान तो सबने बंद कर लिए अपने गलत
तरीके के जो उन्होंने मार्ग बनाए थे। आपको अगर सत्य चाहिए तो सत्य आपके अंदर बसा हो। अपने साथ आप जाति मत करिए, अपने साथ अन्याय मत करिए, क्योंकि आप इंसान बन के संसार में आए हैं। ये परमात्मा ने आप पे बड़ी मेहरबानी की कि आप इंसान बन करके आए हैं, इसको आप प्राप्त करें। और उसका परमात्मा का जो आनंद है कि आप उसके साम्राज्य में विराजें, वो उसे देना चाहिए। इस देने में आप क्यों रुकते? बेकार की धारणा है, क्योंकि हम इस धर्म में पैदा, क्योंकि उस धर्म में पैदा, क्योंकि हमारे बाप ऐसे थे, क्योंकि हमारी माँ ऐसी थी। लेकिन आप क्या? आप अपने बच्चों को क्या देने वाले? क्या वही घिसी पिटी बातें, वही बातें जिससे कुछ पाया नहीं है? जो पाने का है सो अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन अत्यंत सरल और सहज। ऐसे सहज को पाना, यही सत्य को पाना। पहले तो हमारी मन की तैयारी होनी चाहिए कि माँ हमें तो सत्य ही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे जो वीर हो कि जो सत्य के सिवा कोई चीज नहीं मांगते, वही सहयोगी हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। क्योंकि सहयोग में आने के बाद भी मैं देखती हूँ लोगों में कि माँ हम तो ऐसा सोचते हैं कि हमारे जरा गुरु हैं, जरा पैसा ऐसा खाते हैं, क्योंकि उनको कुछ और रोजगार नहीं है। लेकिन अब क्या भाई, तुम अपने गुरु हो गए, अब काय को गुरु पाले हुए हो? जब तुम्हारी तंदुरुस्ती भी तुम्हारे गुरु अच्छे नहीं रख सके, इसलिए तुम मेरे पास आए, तो उसका उसको काहे पाल के रखा? जो असल है उसे ही पाना है, जो नकल है उसे छोड़ देना है, जो वास्तविक है उसे देखना है, जो वस्तु स्थिति है उसी को जानना है। ये जब हम धारणा बना लेते हैं, तब आपके अंदर सहज में जमीन ऐसी तैयार हो जाती है कि ऐसे आदमी को समझाने की जरूरत नहीं, उसका अनुभव ही उसको सिखा देता। और जो कुछ अनुभव शून्य आज तक रहा है, उसमें ही आप समाधान मत माने, क्योंकि आपको अभी तक उसका अनुभव नहीं है। कल आप अपने बच्चों को क्या देंगे, या अपने ही मन को आप क्या समाधान देंगे? क्या रटने रटने से ही हो जाएगा, क्या पढ़ने पढ़ने से हो जाएगा? किसी भी चीज से नहीं हो सकता। कबीर दास जी ने कहा है, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भए। तो मैं सोचती थी कि ऐसा कैसा कह रहे, अब मेरी समझ में आया कि वो जो पढ़ते हैं वो सोचते हैं जिसे गीता पढ़ी हो तो सोचता वो व्यास मुनि बन गया। कोई जो कोई किताब पढ़ता है वो सोचता कि वो ही बन गया, फिर और वो कोई चीज सोचता ही नहीं। ऐसे भी लोग मैं देखे कि किताब रखेंगे और कहेंगे अच्छा अभी भगवान का नाम लेकर के मैं खोलता हूँ, भविष्य क्या देख लो, उसमें के एक सेंटेंस को पकड़ लेंगे, कल इसका भविष्य मतलब ये है, ये है। ये कौन तमाशा? इससे भी बढ़ के लोग ऐसे होते हैं कि इतना छोटा सा कोई से भी किताब जो कि मानी जाए, जैसे बाइबल है या कोई इनका तौरात होता है या अपना ग्रंथ साहब है, कोई सी भी किताब हो जैसे गीता है, कोई सी भी छोटी, उसको इतनी छोटी बना ली और यहाँ बांध ली, हो गया। इस तरह के भ्रम में रहने से परमात्मा नहीं मिलने वाले, और वो कितने सहज सरल आपके अंदर मिल सकते। उसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं, वो आपके अंदर ही है। आपको पढ़ना लिखना भी नहीं, कुछ जानना भी नहीं, उसको सिर्फ पाना मात्र है। और पाना जो है वो बुद्धि से नहीं पाया जाएगा, आपके नसों में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा, आपके उत्क्रांति में। आप वो इंसान होंगे जिसे आप कह सकते कि महान मानव, जिसे कि आज हम कहते हैं यही आपका भविष्य है कि आप महान मानव। फिर इस देश में, ये देश, इसकी जितनी पूजा की जाए ना कम। यहाँ संत साधुओं के अनेक चमत्कार, हजारों चमत्कार हो चुके हैं, और इन्होंने अपना खून सींच करके इस देश को बनाया है। इस देश में जो पुण्य है वो आपको किसी भी देश में नहीं मिल सकता, और इस देश में रहने वाले लोग महान पुण्यवान होंगे, पूर्वजन का सुकृत होगा तभी यहाँ पैदा हुए होंगे। और इस देश में रह करके भी इस समय अगर आपने अपने आत्मा को नहीं पाया तो मैं कहूंगी कि आपसे दुर्भाग्य हो, क्योंकि समय ऐसा है, विशेष समय है। इस समय सत्य को पाना बहुत आसान है, और इसे पा लिया जाए, पाने के बाद उस पर दृढ़ हो जाना चाहिए और बढ़ना चाहिए। इसमें बुद्धि के खेल से नहीं होगा कि माने ऐसा कहा तो ऐसा क्यों कहा और फिर फलाने ने ऐसा नहीं कहा, इससे नहीं होने वाला। जो चीज है वही है, हम आपसे ये बात नहीं बता सकते जो चीज नहीं है हम क्या करें। हम तो आपसे झूठ नहीं बोल सकते, जो सत्य है वही आपको बताएंगे, क्योंकि हम तो आपकी माँ है, आपसे हम झूठ नहीं बोल सकते। और जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है या नहीं, ये आप खुद उसका परिचय, जिद न करें उसका परिचय, और परिचय लेने के बाद उसे आत्मसात करें। क्योंकि आखिर बात क्या है? बात यही है कि माँ है वो किसी के लिए क्यों करती है, वो अपने बच्चे से प्यार क्यों करती है? उसे अगर कोई पूछा जाए तो वो कहेगी कि ये तो अजीब सवाल था, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्यों प्यार करती हूं अपने बच्चों से। उसका कोई पर्पज ही नहीं,
वो तो कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन करते। और इस वजह से आप लोग इस पे अब बुद्धि से वार न करें, सिर्फ अपने कुंडलिनी के जागरण की व्यवस्था रखें, अपने कुंडलिनी का जागरण कर ले जिससे आपका ब्रह्मरंध्र छिद्र हो जाए और आप ब्रह्म को जाने। सबसे पहले उस निराकार ब्रह्म को आप जान लें और फिर आगे की बात करें। परमात्मा की बात अभी ना करें, अभी भी यही समझिए कि बुद्ध की बात ठीक है कि पहले आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, ब्रह्म शक्ति को हम पालें, उसके बाद आगे की बात करें। उससे पहले की बात करने में और उसके आगे की बात करने में भी बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि दिमाग सबके अलग अलग बैठे हैं। इनका एक विचार है, उनका एक विचार है, उनका एक विचार है, उनका एक विचार है। मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने वो किताब पढ़ी, मैं वहां गया था, वहां ये था, वहां वो था। लेकिन सत्य क्या है उसे जानने के लिए कुंडलिनी के जागरण के बगैर, उसके प्रकाश के बगैर आप नहीं जान सकते। इसके अलावा भी जो चीजें आप जानते नहीं, जो चीजें महसूस नहीं, जो चीजें हमारे लिए अज्ञात है, वो सब परमात्मा भी नहीं। बहुत सी चीजें जो अज्ञात है वो परमात्मा नहीं, ये जानना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमसे बिल्कुल अज्ञात है और कभी कभी उसकी झलक दिखाई देती पर उसका परमात्मा से कोई संबंध नहीं। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। आज महालक्ष्मी का तत्व आप में जागृत हो गया है, तो कृपया आप अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके और फिर उस पर कल मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगी कि अपने अंदर और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम अज्ञात हैं, वो क्या चीजें हैं और उसे कैसे बचना चाहिए। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे। अभी सोचते हैं कि माँ हमने तो कभी भगवान के बारे में सोचा नहीं, हम तो बड़े मटेरियलिस्ट हैं, हमें कैसे कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम उन्हें तो परमात्मा में कभी विश्वास भी नहीं किया, क्या हमारा कुंडलिनी जागरण हो सकता है? सबका हो सकता है। आप अगर इंसान हैं तो आपका जागरण हो सकता है, इन बाह्य की चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इंसान हैं तो आप इसे पा सकते हैं। और इतना ही नहीं कि जब जागरण हो जाएगा तब आप स्वयं जानिएगा कि आपकी तंदुरुस्ती, आपके मन की स्थिति कितनी संतुलित और सुखदायी होगी। उसके अलावा अनेक इसके लाभ हैं। सबसे बड़ा तो लाभ ये है कि आप अपने ही गुरु हो जाते हैं। सही क्या गलत क्या, सब कुछ आप इस चैतन्य की लहरियों से जान सकते हैं जो आपके हाथ से ठंडी ठंडी बहती है। ये जो शक्ति सारे दूर विराजमान है, जिससे सारे जीवंत कार्य होते हैं, उस शक्ति को प्राप्त करना। आप अगर डॉक्टर हैं, आप अगर आर्किटेक्ट हैं, अगर आप इंजीनियर हैं और कुछ भी हो, ये साइंस उस परमात्मा के साइंस के आगे एकदम फीका है। जिस साइंस ने इस मनुष्य को बनाया वो कितना ऊंचा साइंस है और उस साइंस की गतिविधियां समझना कितना मुश्किल है। इसलिए बेहतर है कि इस बड़े सागर में हमारा बूंद मिल जाए और हम ही सागर हो जाए, इससे उस सागर की सारी शक्तियां हमारे अंदर से प्रभावित हो और प्रकाशित हो। ये ज्यादा आसान है कि इस बूंद को उस सागर में मिला देना चाहिए। एक दो चीजों के लिए कहना है कि कृपया अपने जूते आप उतार लें, चप्पल उतार लें जो भी है पैर में, क्योंकि ये पृथ्वी माँ का पड़ा हमें आधार है, इसका आधार रहना। और नम्रतापूर्वक बैठे कि अभी तक हमने पाया नहीं और माँ कहती है कि हमारे अंदर है और हम पा सकते हैं, तो नम्रतापूर्वक हम इसे पाए। अपने जो धारणाएं, विचार, कंडीशनिंग जो भी है, और उसे आप इस वक्त अलग हटा दीजिए। इस वक्त बिल्कुल स्वच्छ होकर के बैठे, क्योंकि यही असल चीज है। सारे धर्म का सार है अपने को पाना, और उसे पाना चाहिए जो उसका तत्व है। अब दूसरी बात है कि अगर चश्मे वगैरह हो उन्हें उतार लीजिए, क्योंकि इसका असर आंखों पे भी बड़ा अच्छा होता है। दोनों पैर जमीन पर अलग अलग रखिएगा, क्योंकि दोनों नाड़ियां अलग अलग चलती हैं, इसलिए दोनों पैर अलग अलग। अब इसके अलावा अब दूसरी बात है कि ये जो लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड, इसे हम कहते हैं कि ये हमारी इच्छा शक्ति, और राइट हैंड ये क्रिया शक्ति। जैसा कि आपने देखा है कि ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, अभी तो मैं पिंगला पे ही बोल रही हूँ, कल ईड़ा पे बताऊंगी आपको। तो पिंगला नाड़ी जो है इस राइट हैंड से दिखाई देती है और ईड़ा नाड़ी
इसे और सुषुम्ना नाड़ी से कुंडलिनी का पथ है। अब आपको सिर्फ दोनों हाथ मेरे ओर इस तरह से करना चाहिए और बहुत आराम से बैठिए। कोई जैसे कोई चीज आपको तंग हो या कुछ गले में तंग चीज हो या कुछ पेट पे तंग हो तो उसे आप जरा ढीला कर लें, जिससे कोई इत्मीनान रहे, बाद में कोई ऐसा न लगे कि कुछ अड़चन सी है या कुछ उलझन हो। इसलिए अपने को इसी तरह से व्यवस्थित रूप से आराम से बैठे। अब दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह करें। हम लोगों को ये क्रिया की शक्ति को इस्तेमाल करना है और इससे हम सिर्फ इस तरह से हाथ रखने से अपनी इच्छा प्रदर्शित करते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार चाहिए। ये हम अपनी इच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं। अब आप जान लीजिए कि ये जो राइट हैंड है इसे सबसे पहले हम हृदय पे रखते हैं क्योंकि यहाँ आत्मा का वास है। उसके बाद एक एक मैं बता देती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कब रखने का। यहाँ पर रखने का है, फिर पेट के ऊपरी हिस्से में स्वाधिष्ठान चक्र का जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर हमारा गुरु तत्व है, इसे हमें जागरूक करना चाहिए क्योंकि हमारा गुरु तत्व जो है वो बांधा गया है इन गुरुओं की तपस्या से, तो उसको हमारे अंदर हमें जागरूक करना है। उसके बाद नीचे का जो पेट का हिस्सा है वहां पर स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो शुद्ध विद्या करता है। मैंने शुद्ध विद्या उसे कहते हैं कि जो परमात्मा का साइंस है उसकी जो कार्य प्रणाली है उसको वो चलाता है, यानी उसका टेक्निक जो है उसको चलाता है। इसलिए नीचे में जो स्वाधिष्ठान चक्र है उसे हम कहते हैं कि ये शुद्ध विद्या का चक्र है। उसके बाद फिर वापस इसी तरह से हृदय तक आकर के हम यहाँ पर विशुद्धि चक्र जो है, विशुद्धि का जो लेफ्ट साइड है वहां हाथ रखते हैं। अब आपको एक एक चीज मैं समझा दूंगी, सब बात आपको समझा दूंगी जो गुरुओं ने और कवियों ने और बड़े बड़े ऊंचे लोगों ने जो बातें कही थी उसका जितना भी गुप्त है वो सारा मैं आपको समझा दूंगी। अब ये विश्व